अस्सलाम वालेकुम भाई। यार मैं अदीब बात कर रहा हूँ जो आपके लिए रेंट के मकान के लिए, मालूम नहीं किया आपसे। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको। यार कहाँ आप, घर पर हैं? चले मैं गली की कोने पे हूँ, आपके आप भी अपने घर के पास नीचे आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार यहाँ पे कोई मकान खाली है यार? मेरा घर है रेंट के लिए, 3,000 रुपये रेंट है। भाई यार सिर्फ मुझे रहना है, एक कमरे का मकान चाहिए था। यार भाई मैंने आपको बहुत कम बताया है रेंट, इस एरिया की बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। वैसे 2,500 रुपये ले लेना, 2,500 यार, लॉकडाउन भी हो रहा है। प्लीज चलो आपके लिए, मगर टाइम पर रेंट देना। चलो ठीक है ठीक है, आज ऐसा घर दिखाते हैं आपको। भाई देखें ये कमरा है पूरा, ये कमरा है, ये कमरा है, अभी तो सोफे वोफे रखे हैं मैं इस पे। ठीक है आप सोफा हटा दीजिएगा, मैं परसों तक आ ही जाऊंगा। देख लिया आपने यही कमरा था, और मैं सोफे वोफे हटा दूंगा, आप आगे शिफ्ट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, मैं परसों तक फिर शिफ्ट कर लूंगा। भाई देखें मैं जैसे कि 2,500 आपको मैंने रेंट बोला, आप जिस डेट पर आए उसी डेट पर मुझे अगर रेंट, चलो ठीक है, जिस डेट पर आया मैं उसी डेट में आपको महीने में आपको शिफ्ट दे दिया करूँगा। ठीक है, और सेकेंड ये कि एडवांस वगैरह मैं देता नहीं। चलो ठीक है, आधा बिल जो आएगा जो होगा वो दे दिया करूँगा आपको महीने में, कोई टेंशन नहीं है। बस सही है, आप शिफ्ट कर लें, परसों तक कर लें। मैं परसों तक कर लूँगा। अच्छा एक काम करिएगा, आपको कोई आपका नंबर रखूँगा, मैं आपको फोन नंबर, हाँ वो मेरा है ना। चलो ठीक है, मैं आप मेरे को मैसेज कर देंगे कि आप मेरे कमरा खाली कर दिए, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, कोई मैं भी आपको चार्ज सब्सक्राइब कर दूंगा, लोगों को दोस्तों को सेंड कर दूंगा। सही है, और लिंक आप सेंड कर देंगे, और आपके घर में आप गेले रहते हैं और कोई भी रहता है आपके घर में? फैमिली है, कोई मसला तो नहीं मेरा, रात की आने जाना होते थे, सुबह काम में जाऊँगा रात को आऊँगा यार। और यार मीठा पानी के लिए क्या नीचे भरना पड़ता है, ऊपर है मोटर लगा, पानी आता है 24 घंटे आता है। मुझे पूछना था ये था, आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले जैसे जी क्या हुआ था? इंशाल्लाह परसों तक आपका रेंट लेगा, किराया तो मैं जाऊंगा, सलाम की वक्त रहेगी। एक सेकंड कॉल आ रही है।
चले ठीक है आप बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी मेरे पास आए थे ये जी। हाँ हाँ मैंने रख लिया फ्रेंड परसों शिफ्ट करेंगे। ठीक है 2500 रुपये रेंट पे रखा है आपके कहने पे सिर्फ। चले जिनसे बात कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शायद भाई। हाँ मैं मिल गया था इनसे यार रेंट पे दीजिए। थैंक यू आपको भी मेहरबानी यार इस हालत पे यार आपने मकान किराया कमरे में मकान मिला दिया। बड़े अच्छे भाई हैं ये भी यार अच्छे से पानी पिलाया मीठा खिलाया। थैंक यू आपको भी भाई आपको भी थैंक यू यार आपने किराया दे दिया। चलो ठीक है शायद भाई ये ले आप इससे बात करें। शायद भाई मैंने कर दिया ये परसों से शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ बस सही है बस सही है अल्लाह करम आपकी दुआएं बस और जिस दिन मौत आनी है वो उसी दिन आएगी। हमारा जो मैसेज है ना इस वीडियो के थ्रू दो मैसेजेस है। फर्स्ट ये है मौत आनी है सबको और दूसरी ये है कि अपने अकीदे पे अपने ईमान पे कायम रहे और अपने ना जैसे कि मुसलमान भाई भाई हैं आपस में ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है सबको तो अपनी जगह सही है। जिसकी मौत आनी है वो आएगी। कोरोना है ऐसे हम यही बोल रहे की नहीं है। लोग अपनी एहतियात करें अपना लोग बचाए मुँह हाथ धो के रखे हाथ पाँव धोए बचे सही है मास्क लगा के रखे टाइम। हम लोग को ये इस वीडियो में मैसेज ये देना था कि बस ये लोग अभी एहतियात करें लॉकडाउन चल रहा है लोग के जो किराए का मकान है लोगों के पास मकान है वो जैसे मकान मालिक उनसे जबरदस्ती कि वो किराया दे दें मतलब कि ऐसा नहीं करो यार वो भी इंसान है हम भी इंसान है लॉकडाउन खत्म हो जाए लॉकडाउन खत्म हो जाएगा मिल जाएगा किराया किराया कहीं भाग जा रहा लॉकडाउन चल रहा है जैसे कि किराया मांग रहे मकान मालिक कि आप थोड़ा सबर कर लो यार मेरे भाइयों कि आपको रेंट देंगे आपकी जो किराए पे रह रहे आपको रेंट मिल जाएगा तो लॉकडाउन खत्म होने दें आपको थोड़ा थोड़ा करके देंगे आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे आपकी मेहरबानी है। इस टाइम पे आपने हम लोग को किराए पे दिया रेंट कि उनसे बोले रेंट थोड़ा सुकून से बात में ले लेगा लोग।